एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ एक न्यू प्लांट के साथ। तो इस प्लांट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कई सारे लोग इसे स्नेक प्लांट बोलते हैं और कई लोग इसे ऑक्सीजन प्लांट भी बोलते हैं, स्नेक प्लांट बोलते हैं, ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और आप लोग इसे इंडोर लगाइए, जैसे कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन वगैरह में रख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 15 दिन में या हफ्ते में एक बार आप इसे पानी दे सकते हैं। आप देख लें कि मिट्टी ज़्यादा सूख गई, तब आप इसे पानी दें। और इसकी कटिंग करके इसके दूसरे गमले में से आसानी से लगाया जाता है, जैसे पत्ती से भी कटिंग होती है। जैसे मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी, यहाँ से कट करके इसे हम दूसरे गमले में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ देखिए मैंने इसमें लगाया छोटे से इस चीनी के पॉट में और इसमें लगाया। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो आप लोग भी इसे ऐसी आसानी से लगा सकते हैं। और मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और बहुत सारी वैरायटी रहती है इसकी। आप लोग जो चाहें, आप लोगों को अच्छा लगे, इसमें एक येलो कलर भी आता है हल्की हल्की पत्तियों में, आप वो चाहें तो वो भी ला सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है उस कलर का, येलो कलर का, हल्का हल्का सा येलो रहता है। और इसकी मिट्टी, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में बस कंपोस्ट मिला के इसे आसानी से कोई भी गमले में लगाइए, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है ये प्लांट। और ऑक्सीजन वगैरह, जैसे हवा को शुद्ध करता है, आप लोग सभी जानते हैं इसे। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने बेडरूम वगैरह में लगा ले, जैसे छींकें ज़्यादा आती हैं, एलर्जी टाइप की होती है ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे पॉट में 2-3 जगह रख लें और वहाँ लगा लें अपने, जहाँ आप लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो वहाँ लगा लें, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस प्लांट में ऐसा नहीं है कि बहुत ही केयरिंग की ज़रूरत है, तो ज़्यादा केयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस 15 दिन में इसे पानी दें। और अगर आप चाहें तो इसकी यहाँ से जो जो पत्तियाँ थोड़ी सी पीली वगैरह या सूख जाती है, तो बस वहाँ से उसे कट कर दें या दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। और एक देखने में भी खूबसूरत प्लांट लगता है, तो इसके रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 30 या 40 या 20 रुपीज़ का आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप लोग भी लाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फिर मिलूँगी मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो मैं करती हूँ वीडियो का दी एंड।